नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सभा शाहिद शेख। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ये मुद्दा काफी तूल पकड़ने लगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर मुख्यमंत्री के जरिए सपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं। विधानसभा में वित्तीय साल 2023-24 के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान यादव ने कहा, हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, क्यों प्रचार करते हो आप। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, भगवान सबके एक है, किसी एक के नहीं है। चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए आप लेते हैं तो क्या भगवान आपके हो गए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उन्होंने मानस की एक चौपाई में तारण शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि आप किसी एक को खड़ा कर दे कि तारण शब्द का क्या अर्थ है। हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं, क्या एक को खड़ा करके तारण का मतलब बताएंगे। आप बताइए कि यूपी की स्थिति क्या है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस के बारे में समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी और उससे उपजे विवाद को लेकर विधानसभा में आरोप लगाया कि सपा इस पवित्र ग्रंथ को जलाकर 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रही है। वहीं सीएम योगी ने स्वामी मौर्य के आपत्तिजनक बताई जा रही मानस की चौपाई की व्याख्या करते हुए सदन में कहा, महोदय ये वही पंक्ति है, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। सीएम योगी ने कहा था कि दरअसल ढोल एक वाद्य यंत्र है, गवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। उन्होंने तारण का मतलब दो उदाहरणों के साथ देखभाल और देखना बताया। इस मामले पर जातियों को लेकर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। उन्होंने कहा, मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि नेता सदन बताएं कि शूद्र क्या है। उन्होंने कहा कि यही शूद्र अगर आपके ढाल नहीं बने तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। पहले तो अखिलेश यादव के तेवर बदले बदले से थे, लेकिन वहीं अब जनता को लुभाने और चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने अपने तेवर नरम कर लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।